ऑलराइट दोस्तों, 10 महीने के बाद ये वीडियो कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन। 25,000 के नीचे अच्छे फोन्स पिछले 8-9 महीने में लॉन्च ही नहीं हुए हैं और उसकी वजह से अंडर के वीडियोस करने का मतलब नहीं बनता है। इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाला हूं सबसे अच्छे स्मार्टफोन जो अभी अवेलेबल है 25,000 के नीचे। और याद रखिए दोस्तों, ये रिकमेंडेशन जो होते हैं वी टेक इट वेरी 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 सीरियसली, क्योंकि पता है कि आपकी जो हर एक रुपया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, एफर्ट करते हैं और उसके बाद में ही ये वीडियो बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस की वी शुड गेट इट राइट। और इसीलिए मिनिमम बेंचमार्क्स तो है ही। यस, फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज होना चाहिए, 5G के बैंड्स होने चाहिए, कम से कम 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज होना चाहिए। इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में हमने 778 या फिर डायमेंसिटी 1080 जो बेसिकली 4.5-5 लाख के करीब अंतत स्कोर आता है, कम से कम उतना प्रोसेसर होना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस। वैसे मैं 5-6 फोन्स बताने वाला हूं, छठा जो है बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू नेम इट। अगर सैमसंग का फोन चाहिए आपको तो आप सैमसंग गैलेक्सी M53 5G ले सकते हो। इसमें 778 या फिर 1080 प्रोसेसर नहीं है, डायमेंसिटी 900 है, इसीलिए छठे नंबर पे आता है। बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट सैमसंग फोन्स और उनका यूआई वगैरह उनको अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली वो देख सकते हो। 25,000 के नीचे आपको मिलता है 23998, मतलब 24,000 के नीचे, सो यू कैन लुक एट दैट। वैसे दोस्तों, जो भी फोन्स बता रहा हूं प्रोडक्ट टैगिंग हम कर रहे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। वैसे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पूरे जो 5-6 फोन्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं सभी उधर आपको मिल जाएंगे, जरूर जाके देखिएगा। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों मोटो एज 30। हां, मुझे पता है ये पुराना फोन है दोस्तों, बट अभी आपको 22999 में मिल रहा है। एंड आई टेल यू व्हाट, उसकी ओलेड स्क्रीन जो है बहुत अच्छी है, आपको स्लिम एंड लाइट वेट चाहिए एंड अगर ओएस क्लीन यूआई चाहिए, डेफिनेटली आप मोटो एज 30 के पास अभी भी देख सकते हो। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर है, 6128 है। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव मैं छोटा सा कहूंगा, बैटरी छोटी है 4020, मतलब स्लिम एंड लाइट बनाने के चक्कर में उन्होंने बैटरी कम कर दी है। 33W चार्जिंग है लेकिन 4020 mAh की बैटरी है। कैमरा अच्छा है, 50+50 पीछे की तरफ, +2 उसको हम छोड़ देंगे एंड आगे सेल्फी में 32 MP है। सो मोटो एज 30 कम्स एट नंबर 5। ऑलराइट दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है IQ7 5G। स्पेक्स के मामले में बढ़िया है, 120Hz एमोलेड स्क्रीन है, 870 प्रोसेसर आता है, 778 1080 भी नहीं, 870 प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस के मामले में इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। 8128 वेरिएंट आपको 24990 25,000 के नीचे आपको मिल रहा है, 870 प्रोसेसर एक्सीलेंट। फन टच ओएस है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं, 4400 mAh की बैटरी एंड 66W चार्जिंग। परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों दिस इज एक्सीलेंट। एंड हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, जनरली इस प्राइस रेंज में साइड माउंटेड मिलते हैं, इसमें इन डिस्प्ले है। एंड एट 24990 डेफिनेटली इट इज एट नंबर 4। और याद रखिए दोस्तों, मैं तो ओवरऑल देख के फिर रैंकिंग करता हूं, बट कुछ कुछ चीजें जैसे क्लीन यूआई आपको इंपॉर्टेंट है तो मोटोरोला का फोन देखिए। अगर 5G ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेमिंग आप कर रहे हो, तो IQ Neo 7 शायद नंबर 1 पे भी आ सकता है। सो दैट इज हाउ इट इज। ऐसे नहीं है कि सभी फोन्स एग्जैक्टली उस ऑर्डर में है, जो आपको इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से फोन लीजिए। टॉप 3 पे आ गए हैं दोस्तों, Realme 10 Pro Plus 5G जो अभी लॉन्च हुआ है। 6.7 इंच की FHD प्लस कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन आती है, 120 हर्ट्ज की एक्सीलेंट स्क्रीन, 6128 है, 5000 mAh की बैटरी, तो बड़ी बैटरी है एंड 67W फास्ट चार्जिंग भी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी है। डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर आता है, 108 MP का कैमरा है प्राइमरी, बट बाकी 8+2 है दोस्तों, इतना कुछ ठीक ठाक है। बट आई टेल यू प्राइस फॉर 24499 एंड सभी स्पेसिफिकेशंस के पास आप देखोगे तो रियलमी 10 प्रो प्लस 5G इज डेफिनेटली एट नंबर 3। अब दोस्तों, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरूर देखिएगा। मतलब पिछले साल ये एक हमारा फेवरेट फोन था, रेडमी K50i, इट इज रियली गुड फोन। 6.6 इंच FHD प्लस 144Hz स्क्रीन, एमोलेड नहीं है इसमें, इतना याद रखिए। सो दैट इज वाई इट इज एट नंबर 2। डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर है, सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 6128 वेरियंट जो है आपको 23999 में मिल रहा है, 5080 mAh की बैटरी, 67W चार्जिंग, MIUI 13 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, ये सब है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन सभी चीजों के पास देखोगे दोस्तों तो मैं कहूंगा दिस इज डेफिनेटली अ गेमिंग फोन। एमोलेड नहीं है बट 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD है, तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए देख रहे हो तो इसके पास देखिएगा, Redmi K50i एट नंबर 2। ऑलराइट, नंबर 1 पे आते हैं पोको X5 प्रो। वैसे रेडमी नोट 12 प्रो भी कह सकते हैं लेकिन उसकी 2000 से प्राइस ज्यादा है, वो 24999 में आता है। पोको जो है, पोको X5 प्रो जो अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों, वो 22999 में आता है, तो डेफिनेटली प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से मैं पोको X5 प्रो ही कहूंगा। लेकिन अगर आपको कैमरा चाहिए ज्यादा, OIS वगैरह इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी, देन यू कैन लुक एट रेडमी नोट 12 प्रो। दोनों के स्पेसिफिकेशन बहुत सिमिलर है, 6.67 इंच 120Hz एमोलेड स्क्रीन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है, 6128
5000 mAh की बैटरी, 67 वॉट चार्जिंग, MIUI 414 आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ, ये दोनों ही मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से दोस्तों दे कम एट नंबर वन, बट पोको X5 Pro को मैं थोड़ा स्लाइटली ऊपर रखूंगा फॉर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। जैसे पहले बताया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्रोडक्ट टैग भी किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि दे कैन मेक द राइट डिसीजन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।